हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपके पास में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, एंड फर्दर ये जो लेक्चर सीरीज है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर, ये जो पूरा बेनिफिट देने वाली बीएससी स्टूडेंट्स के लिए यानी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो बाय द टाइम जो भी आपका यूनिवर्सिटीज ने प्रेस्क्राइब सिलेबस है उस पर, उसके बेसिस पर आपके ये सारे के सारे कंटेंट को बनाया जाएगा। ठीक है, एंड आई होप यू विल लाइक ऑल दिस वीडियोस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर कॉलेज डेज आल्सो स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, हम लोग इसको पूरा थॉरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों की पहली यूनिट रहने वाली है, जो इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो मेजरली किसका करने वाले हैं, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन का है ना। वर्नर थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ईएन रूल के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, नॉमेनक्लेचर हो गया आपका और आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को समझेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स आपके स्टेबलाइज होते हैं, एंड अपार्ट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेबिलिटी। वीबीटी को हम लोग अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या रोल था वीबीटी का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को समझाने के लिए, कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं आपके, एंड इट्स लिमिटेशन ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज और वीबीटी का जो मेन जो मतलब सबसे वन ऑफ द पिलर हम ये बोल सकते हैं पॉस्टुलेट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेकर था, मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे वीबीटी आपके एग्जिस्ट करती थी, तो उसको भी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वीबीटी के साथ साथ। बट मैं इसको इस तरीके से नहीं डिस्कस करना चाहूँगा, मैं मतलब इसको अपने वे में लेके चलूंगा, मतलब मैं इस तरीके से लेक्चर सीरीज को प्रेजेंट करने वाला हूँ यहाँ पे, कि आप लोग जो भी नए स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने इससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, वो भी इसको बहुत अच्छे से समझ ले, है ना, ताकि उनको ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आए और अप्रोच कर सकें, अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप अप्रोच रखें ताकि इजीली उनको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ पाए। ठीक है, सो आज जो लेक्चर रहने वाला है मेरा, वो इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि हम लोग मतलब क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, क्या इनकी किस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉर्ट्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर में, सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टुडे इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, है ना। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में। और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, हम लोग नेट जीआरएफ या सीएसआईनेट जीआरएफ या गेट या आईआईटी जैम, किसी भी एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिक डेफिनेशन एंड टर्मोलॉजी रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आज क्या होते हैं आपके पास में एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, एडिशन और मॉलिकुलर कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को अगर हम लोग समझे तो ये क्या होता है आपके पास में, इट इज द कॉम्बिनेशन, ये बोल सकते हैं हम लोग कि when two or more salt solutions are mixed together in proper molecular proportion। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो resulting solution बनेगा, ठीक है, and the solution obtained, ठीक है, इट इज फर्दर evaporated, इसको हम क्या करते हैं, फर्दर इवेपोरेटेड। और इसको फर्दर इवेपोरेट करने के बाद में जो हमारे पास में सॉल्यूशन मिलता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, फर्दर इवेपोरेट करने के बाद में जो न्यू कंपाउंड जनरेट करेगा, है ना, फर्दर इवेपोरेट करने के बाद में जो न्यू कंपाउंड आपका जनरेट करेगा वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स कि मतलब आपने मिक्स किया एकदम से और ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाते हैं,
बीइंग एन इनऑर्गेनिक गाय, मैंने 2 साल आपका 2-2.5 साल इनऑर्गेनिक में काम किया है, काफी रिएक्शंस को डील किया है, तो वहां पे आपकी जब भी आप एडिशन कंपाउंड्स को आप फॉर्म कर रहे होते हैं तो एकदम से नहीं होता है ये, इट इज अ स्टेप एंड स्लो, मतलब स्लो प्रोसेस होता है ना। आप सोल्यूशन मतलब रिएक्शंस को करते हैं, रिएक्शन के बाद में जो आपके पास में सॉल्वेंट है उसको आप इवेपोरेट करते हो, इवेपोरेट एकदम से नहीं करते, आप रूम कंडीशंस में या सर्टन कंडीशंस में इसको क्या करते हो, मतलब इवेपोरेट होने देते हो, है ना, मदर लिकर में डाल के, एंड देन उसके बाद में आप क्या करते हो, क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हो। बट इतने उस वे में नहीं जाते हैं, इसको सिंपली अगर हम समझे तो अगर हमारे पास में ये समझा कंपाउंड है KCl प्लस MgCl2 एंड साथ में क्या प्रिंट है यहाँ पे 6H2O, ठीक है, ये जो कंपाउंड है तो ये फॉर्म करता है आपका KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है, एंड दिस इज द कंपाउंड विच इज फॉर्मिंग हेयर, इट इज योर एडिशन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है यहाँ पे दिस इज योर एडिशन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या आपके पास में, हुआ ये है आपके पास में कि जो आपने मतलब सॉल्ट सॉल्यूशंस लिए उनको एक प्रॉपर रेशियो में क्या किया होगा, मिक्स किया होगा, ठीक है। तो मैं खुद की एक बात बताता हूँ, मैं एक रिएक्शन कर रहा था, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा था, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स में मैं क्या कर रहा था कि रेशियो जो था, प्रोपोर्शन जो था सॉल्वेंट का, वो सही से नहीं ले रहा था। तो एक टाइम पे तो क्या हुआ कि DMF डालने पर एकदम से मेरा कंपाउंड फॉर्म कर गया था, लेकिन जब मैंने रिपीट करना चाहा उस प्रोसेस को, मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि एग्जैक्ट जब हम लोग 10 ड्रॉप्स को यूज कर रहे हैं उसके अंदर में, है ना, 10 ड्रॉप्स 10 माइक्रोलीटर के टर्म में अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन एग्जैक्टली मेरा वो कंपाउंड बन रहा है। तो प्रोपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि यहाँ पे जो आपके पास मॉलिकुलर प्रोपोर्शन है ये बहुत जरूरी है इस तरीके के कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कैनोलाइट ना, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोलाइट भी बोलते हैं, कैनोलाइट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, तो ये जो सॉल्ट है आपके, ये सॉल्वेंट, ये आपका क्या बेसिकली यहाँ पे सॉल्वेंट है, दिस इज योर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं आपके इस तरीके के कंपाउंड को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, ये भी आपका क्रिस्टलाइज करने में क्या करते हैं आपका मदद करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस कंपाउंड्स आर नोन एज योर हाइड्रेट्स, है ना, वाटर है तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइड्रेट्स बोलते हैं, अगर अमोनिया होता है तो क्या बोलते हैं, अमोनिएट्स भी बोलते हैं हम कई बार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें, जैसे ये अमोनिया की बात करें तो NiCl2 प्लस 6NH3, इससे क्या बन रहा है आपका, हेक्सा निकल, है ना, हेक्सा मीन निकल क्लोराइड, NiCl2.6NH3। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज योर नोन एज हेक्सा मीन निकल क्लोराइड, हेक्सा अमीन निकल क्लोराइड, निकल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में अमोनिया प्रेजेंट है, तो ये भी आपका सॉल्वेंट की तरह रोल प्ले कर रहा है, और ये जो सॉल्ट आपका जनरेट हुआ है दिस इज योर अमोनिएट, है ना, ये सॉल्ट जो आपके पास में सॉल्वेंट की वजह से जनरेट हुआ है दिस इज योर अमोनिएट, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कुछ एडिशन कंपाउंड्स के आपके सॉल्वेंट्स की मदद से भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड्स के नॉल्स भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे, एडिशन कंपाउंड्स can also be formed via solvent molecules. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मदद से भी, और इनमें से मेजरली कौन कौन से होते हैं आपके पास में, मेजरली अगर हम लोग बात करें तो 3 आपको याद ध्यान में रखने, एक तो आपके पास में वाटर भी हो सकता है, हाइड्रेट्स, अमोनिया हो सकता है हमने देखा, और परऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, H2O2 भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के कंपाउंड आप फॉर्म कर सकते हो, तो इनको बोलते हैं परोक्सोहाइड्रेट्स, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज आपको मैं बता दूं यहाँ पे, देर आर मतलब आपको कुछ नॉन एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, मतलब डे टू जो इस तरीके के कंपाउंड, जैसे कि आपके पास में K2S4.Al2S4 का होल थ्राइस हाइड्रेट सॉल्ट है .24H2, है ना, इसको हम बोलते हैं पोटैश एलम, है ना, पोटैश एलम। मोहर सॉल्ट आपको पता होगा FeSO4, अमोनियम सल्फेट .6H2O, दिस इज योर मोहर सॉल्ट, दिस इज ऑल्सो योर हाइड्रेट सॉल्ट एंड दिस इज योर एडिशन कंपाउंड, दिस इज योर मोहर सॉल्ट। So these are the different types of compound that you can see in the lab also, है ना। Now moving ahead,
अब जो है आपके पास में यहाँ पे, ये तो हो गया आपके एडिशन कंपाउंड। तो सिंपली अगर कोई आपसे पूछे कि एडिशन कंपाउंड क्या है, तो एडिशन कंपाउंड सिंपली क्या होता है आपके पास में, जब आप क्या करते हैं एक प्रॉपर रेशियो में मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन में सॉल्ट को लेते हैं, उनसे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट होंगे उनको हम लोग एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। और दीज एडिशन कंपाउंड आर ऑल्सो फाउंड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अमोनिया एंड परोक्साइड। इतना ध्यान रखना आपको पास। खत्म। नाउ मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड्स को अगर हम लोग डिस्कस करें, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड देखें स्टूडेंट्स हम लोग, तो हमारे पास में मेजरली दो टाइप के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। वन इज योर डबल सॉल्ट, वन यू विल हैव डबल सॉल्ट, है ना, एंड अदर वन यू विल हैव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके। वन यू विल हैव डबल सॉल्ट एंड अनदर वन यू विल हैव कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में एक कॉमन फीचर ये होता है कि ये दोनों ही प्रॉपर प्रोपोर्शन से ही मिलके बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मेटल हो गया आपका, है ना, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सॉल्वेंट हो गया आपका, लिगेंड हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है इनको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें एक इंपॉर्टेंट बात को लेकर, तो वो है डबल सॉल्ट के अंदर में कि इनके केस के अंदर में कि ये क्या कर जाते हैं आपके, इसमें आपके पास में इट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसमें हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, आयनिक सॉल्वेंट में भी कह लो आप लोग, एक्वा सॉल्यूशन में अगर आप इसको डिसॉल्व कराते हो, ठीक है, किसी आयनिक सॉल्वेंट में भी अगर आप इसको डिसॉल्व कराते हो, तो ये क्या कर जाएगा आपका, ये आपका डिसोशिएट कर जाएगा अपने कॉन्स्टेंट आयंस में। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसको, है ना, KCl, होल्ड ऑन अ सेकंड, ठीक है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करवाता हूँ इसे कॉन्स्टेंट आयंस के अंदर में, तो एक कंप्लीटली टूट जाएगा, किसमें कंप्लीट टूटेगा, आपका पोटेशियम आयन में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, Mg+2 में टूटेगा, है ना। तो इंडिविजुअल आयंस की आइडेंटिटी वहां पे रहने वाली, ठीक है, वहां पे क्या रहने वाला है आपका, ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल था, ठीक है, ये आपका क्या था, सॉलिड स्टेट में स्टेबल था, बट एक्वा स्टेट में क्या हुआ, जैसे हमने इसको डिसॉल्व कराया, ऑन डिसॉल्विंग ये आपका कॉन्स्टेंट आयंस में क्या कर गया, डिसोशिएट कर गया। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, डिसोशिएट इनटू इट्स कॉन्स्टेंट आयंस, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि इस तरीके से आपका ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर जाते हैं ना, लॉस देयर आइडेंटिटी ऑन डिसॉल्विंग। अभी हमें पता कैसे चला होगा ऑन डिसॉल्विंग, हमें पता कैसे चला होगा कि जब हमने क्या किया होगा उस सॉल्यूशन का, हमने मतलब टेस्ट किया होगा, तो वहां पे हमें पोटेशियम आयन भी मिला होगा, क्लोराइड आयन भी मिला होगा, और मैग्नीशियम आयन भी हमें मिला होगा। तो इससे पता चल गया होगा कि भाई वहां पे आपके पास में वो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो इसमें डिसोशिएट कर चुका है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग डबल सॉल्ट्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है आपके पास में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सिंपल सा है कि यहाँ पे आपके पास में जो है ये अपने आयंस में, मतलब कॉन्स्टेंट आयंस में नहीं टूटेंगे, मतलब जो आयंस होंगे वो तो होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो होगा अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रखेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये है कॉपर, सेकंड पेन सेलेक्ट, हमारे पास में है कॉपर सल्फेट डॉट 4NH3। अब हुआ क्या कि इन्होंने इस सॉल्ट को, इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को इन्होंने डिजोल्व करवाया, तो डिजोल्व कराने पर इनको मिला क्या कि आपके पास में कॉपर टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स था वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपके पास में सल्फेट आयन आपका डिसोशिएट कर गया, सल्फेट आयन में आपका डिसोशिएशन हो गया। तो जब सल्फेट आयन में डिसोशिएशन हुआ और इन्होंने डिटेक्ट किया, तो इन्होंने देखा कि भाई ओनली यही, इसी का डिटेक्शन हुआ, ओनली यही डिटेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये जनरली अपनी आइडेंटिटी को लिक्विड में डिसोशिएट नहीं करते, यानी इनमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो रिटेन्ड रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि
जो आपके पास में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें आपके पास में कॉम्प्लेक्स पार्ट हमेशा क्या रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स पार्ट रिटेन्ड, ये हमेशा क्या रहने वाला है आपका, रिटेन्ड रहने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो आप लोग कि डू नॉट गिव देयर कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑन डिसॉल्विंग, ठीक है, डू नॉट गिव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग, इस चीज को आप लोग समझना, ठीक है। तो ये जैसे और भी हमारे पास में एग्जांपल है, K4FeCN का होल 6, अगर हम इसको डिसोशिएट कराएंगे तो किसमें टूटेगा, 4 पॉल पोटेशियम आयन, एंड साथ में क्या रहेगा आपके पास में, आपके पास में रहेगा FeCN का होल 6 4 माइनस, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। Now, एक चीज आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका डिसोशिएट करेगा तो यहाँ पे आपके पास में ये एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी मिलेगी जो कि आपके पास में चार्ज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में एक एंटिटी मिलने वाली है, ये आपके पास में कॉम्प्लेक्स एंटिटी मिलने वाली है, कॉम्प्लेक्स आयन मिलने वाला है, और यहाँ पे इसका क्या होगा, एक काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसका एक काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपके पास में मिलेगी और वो काउंटर आयन आपका डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन से पता चलेगा कि कौन सा काउंटर आयन है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपके पास में काउंटर आयन है और इस काउंटर आयन का क्या होगा, टेस्ट होगा, और इस टेस्ट से पता चलेगा भाई कि यहाँ पे आपके पास में पोटेशियम आयन कहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स आयन की खास बात होगी वो ये होगी, इट विल नॉट आयनाइज, ये आयनाइज नहीं होगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। So this is the one of the important factor regarding some of the factors regarding your क्या बोलते हैं double salt and coordination complexes. Now यहाँ पे आपके पास में एक question बनता है, and that question is write the difference between coordination complexes and double salt. ये आपके पास में एक question बनता है, ठीक है, जो college level पे student है, theoretical question बनता है, तो how you have to write? So here we are going to discuss the double salt. And here we are going to discuss complex compound. ठीक है, here we will discuss complex compound. ठीक है, तो अगर हम बात करें double salt की, तो double salt generally क्या होता है? It is the, इसमें क्या present होता है आपके पास में? इसमें आपके पास में usually contain two or simply two है ना, contain two simple salts in equimolar proportions. ठीक है, और इसमें बात करें अगर हम लोग तो इसमें जरूरी नहीं है, है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन मे और मे नॉट, है ना, मे और मे नॉट बी इन द इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ओके। तो ये सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये किसमें एग्जिस्ट करता है, ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, किसमें एग्जिस्ट करेगा आपका, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और इन एक्वा सॉल्यूशन डिसोशिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, ये इसके अपने कॉन्स्टेंट आयन्स में आपका डिसोशिएट कर जाएगा। इट एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, है ना, बोथ सॉलिड एज वेल एज सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा, और किसमें एग्जिस्ट करेगा आपका, इन एक्वा सॉल्यूशन,
सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा और एक्वा सॉल्यूशन में भी क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि इट डज नॉट डिसोशिएट इनटू, डज नॉट डिसोशिएट इनटू किसमें, इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। हाँ, काउंटर आयंस जरूर जरूर बनेंगे यहाँ पे, काउंटर आयंस बनना अलग चीज है, लेकिन जो इसके रिस्पेक्टिव आयंस है सारे के सारे नहीं टूटेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। थर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी, ये सिर्फ एक आयनिक कंपाउंड है, ये जनरली कैसे रहने वाले हैं आपके पास, आयनिक कंपाउंड रहने वाले, ठीक है। डू नॉट हैव एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डू नॉट हैव एनी, नॉट हैव एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे आपके पास में क्या प्रिंट होगा, आयनिक तो होगा ही होगा, मतलब आयनिक पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट विल हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या प्रिंट होगा आपका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या प्रिंट है आपके पास में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझा की बात। तो ये नाउ जो डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होगी ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। प्रॉपर्टीज जो आपकी किस पे डिपेंड करने वाली, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है आपके पास में, तो जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है वही आयंस की प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो इट मे डिफर, जरूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो आयंस की भी प्रॉपर्टी है। कई बार ऐसा होता है कि आयन डायमैग्नेटिक होते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है आपके पास में कि जो आयंस की प्रॉपर्टी है वही आपका कंपाउंड भी बियर कर रहा हो, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डबल आयन जो होता है आपका, मेटल्स की जो वैलेंसी की बात है यहाँ पे, मेटल्स की जो अगर हम लोग बात करें तो मेटल आयन की नॉर्मल वैलेंसी होगी, मेटल आयन शो नॉर्मल वैलेंसी। यहाँ पे आपके पास मेटल्स के पास क्या रहने वाली है, नॉर्मल वैलेंसी। अब यहाँ हम देखेंगे वर्नर थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट था वो ये था कि यहाँ पे दो तरीके की वैलेंसीज होंगी, है ना। एक तो आपके पास में प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या होगी आपके पास में, तो मेटल आयंस को दोनों वैलेंसीज को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाई करता है। तो मेटल आयंस सेटिस्फाई, ये वर्नर में हम पढ़ेंगे कि दो तरीके की वैलेंसी होती है, सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स थे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में, जिनको आप लोग मे बी होपफुली आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से, मतलब एडिशन कंपाउंड होते हैं, एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड के अंदर में जो है आपके पास में डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फर्दर मूविंग टुवर्ड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है कैसे। ये तो हमने जान लिया कि भाई अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, लेकिन इसके अंदर में क्या चीजें आपके पास में इसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, इट डील्स विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो किससे डील करेगी आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास में होता है, जैसे सपोज करके हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, K4FeCN6, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपके पास में क्या क्या प्रेजेंट है, आपके पास में प्रेजेंट है एक सेंट्रल में मेटल आयन, दिस इज योर मेटल आयन। यहाँ पे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में एक K पॉजिटिव चार्ज है और साथ में प्रेजेंट है आपके पास FeCN6, 4K पॉजिटिव, FeCN6 का 4 माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो दिस इज योर काउंटर आयन,
दिस इज योर काउंटर आयन, ठीक है, एंड दिस इज योर कॉम्प्लेक्स आयन। ये कैसा है आपके पास में? कॉम्प्लेक्स आयन। अभी तो आपके पास में कॉम्प्लेक्स आयन कैसा दिखा रखा है मैंने? कॉम्प्लेक्स आयन आपका मैंने चार्ज दिखा रखा है, बट ये आपका ये क्या होता है बेसिकली, ये दोनों मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स आयन आपका जो है, कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास में न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग आयन की बात करें तो आइदर इट कैन बी योर पॉजिटिवली चार्ज और इट कैन बी योर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये चीजें। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है आपके पास में ये जो स्पीशीज है, दिस इज योर लीगेंड, ये क्या होती है आपके पास में? लीगेंड होगा, ठीक है। अब होने क्या वाला है यहाँ पे, सिंपल सा है। इस कॉम्प्लेक्स आयन की अगर मैं पिक्चर बताऊं, अभी तो मैंने बस जस्ट आप लोगों को चीजें दिखाई हैं कि किस तरीके से, तो अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो आपके पास में एक मेटल होगा और मेटल के पास में प्रेजेंट होगा एक वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, मेटल होगा और मेटल के पास प्रेजेंट होगा वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे लीगेंड होगा और लीगेंड के पास क्या प्रेजेंट होगा आपके पास में? फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे लिगेंड के पास में फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो ये जनरली आपके पास में मेटल जो है ये लुईस एसिड का काम करेगा, दिस इज योर लुईस एसिड, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेटल, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, इट विल बी एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड क्या होगा आपका यहाँ पे? लुईस बेस, लुईस बेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, डोनेट करे, तो दिस इज योर लुईस बेस, दिस इज योर लुईस बेस, जो कि किसका काम करने वाला है? दिस इज बिहेविंग एज अ डोनर, ये आपका डोनर की तरह बिहेव करेगा। ना होगा क्या यहाँ पे कि जो आपके पास में जो लीगेंड है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लीगेंड आपका फॉर्म करेगा बॉन्ड किसके साथ में? मेटल के साथ में, और ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, इस बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इस बॉन्ड को ही नाम देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है और एक क्या होता है आपके पास में? एक्सेप्टर होता है, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा आपके पास में, तो ये जनरली क्या होने वाला है आपके पास में? दिस इज योर इट मीन्स दिस इज योर मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका जनरेट करेगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा। तो इस चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर के, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में, है ना, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आपके पास में आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है और इट कैन बी न्यूट्रल, ये आपका कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, और यह क्या हो सकता है आपके पास में? आयन भी हो सकता है, ठीक है, आयन में भी आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स है आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और इट कैन बी योर एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और न्यूट्रल में आपके पास में जो है जो कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल रहने वाला है, ठीक है, बट लेकिन ऐसा नहीं कि मेटल आइटम मेटल आयन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स हैव नो चार्ज, इसमें हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स हैव नो चार्ज, हैव नो चार्ज, कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमने बना दिया निकिल का टेट्रा कार्बोनिल, है ना, NiCO5 बना दिया, कैपेंडा कार्बोनिल बना दिया, तो जैसे टेट्रा कार्बोनिल बना दिया या ना FeCO5 बना दिया, तो ये टेट्रा कार्बोनिल हो गया, FeCO5 बना दिया, तो टेट्रा कार्बोनिल बनाया हमने, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और मेटल की भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाऊंगा, न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे भी क्या आपके पास में जीरो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। और अगर हम लोग कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर में हम लोग देख सकते हैं इसको, है ना, हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, हेक्सामीन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3+, तो इस पर जो चार्ज प्रेजेंट है आपका यहाँ पे, तो ये जो आउटर स्फीयर है इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है दिस इज ऑफ 3+ चार्ज, है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग देखें, हमने थोड़ी देर पहले एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखा, तो इसमें हमने देखा कि FeCN का होल 6 4-, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इट विल बी +3, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें आयरन की जो होगी वो क्या होगी आपके पास में +2। तो मेटल पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो चार्ज है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके पास में कि मतलब किस तरीके का आपका लिगेंड लगा हुआ है, यहाँ पे लिगेंड न्यूट्रल है या चार्ज है, इन सब बातों पर आपका
जो यहाँ पे आपके पास में लिगेंड अवेलेबल है, दिस 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 स्पीशीज विल डिसाइड विच एंड द काउंट, जो ये चार्ज यहाँ पे ये डिसाइड करेगा आपका कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है। ठीक है, तो मेटल आपके पास में जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम, हम तीनों केसेस में अगर देखें तो सेंट्रल मेटल एटम कैसा हो सकता है? सेंट्रल मेटल एटम पे आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी रह सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और आपका साथ ही साथ न्यूट्रल भी रह सकता है। ठीक है, सो सेंट्रल मेटल एटम की ये बात खास बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल एटम मैंने बताया किसकी तरह बिहेव करने वाला है, ये बिहेव करने वाला आपका एक लुईस एसिड की तरह, एक लुईस एसिड की तरह आपका सेंट्रल मेटल एटम बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था यहाँ पे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो जनरली क्या है, व्हाट इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर? अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो यूजुअली होने क्या वाला है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना, कैटायन है ना, या एनायन है, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है, प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब ये जो जितना भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बताया, सारी की सारी बातें आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही वही चीजें लेके चलनी है। जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम किस में लिखते हैं, एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है आपका, एक मेटल प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, एक लीगेंड प्रेजेंट होता है ना। तो मेटल आपके पास में आपको पता है कैसे हो सकता है, ये तो या तो न्यूट्रल हो सकता है या चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और चार्ज हो सकता है ना। उस तरीके से लिगेंड भी कैसा हो सकता है आपका, न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इट इज बेसिकली योर, बेसिकली योर दैट पार्ट वेयर मेटल लिगेंड, मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज आप लोग ध्यान रखना स्टूडेंट, जो भी आपके पास में जितने भी लिगेंड इसको सराउंड कर रहे होंगे, नंबर ऑफ लिगेंड भी यहीं पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या भी लिखोगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ लिगेंड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड हियर, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड हियर, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड आल्सो रिप्रेजेंटेड हियर, रिप्रेजेंटेड हियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो लिगेंड है उनका रिप्रेजेंटेशन भी शो करके चलेंगे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो काउंटर आयन होगा उसको हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर भी बोलेंगे, है ना, जो हम लोग यह काउंटर आयन कह रहे थे जिसको हम लोग आयनाइजेशन स्फीयर जो होगा, आयनाइजेशन स्फीयर जो होगा, या उसको हम क्या बोलेंगे दूसरा नाम, काउंटर आयन बोलेंगे। तो काउंटर आयन कौन सा पार्ट होता है जो इसके पार्ट जो मतलब आयन प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे K4FeCN6 की, K4FeCN6 में अगर मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूं तो स्टूडेंट देखो इस कॉम्प्लेक्स को मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये वाला जो पार्ट होगा दिस इज योर काउंटर आयन, ये जो आयन है आपके पास में क्या प्रेजेंट है, आप दिस इज योर काउंटर आयन। ठीक है, और इसको हम लोग आपके पास में आयनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में हमने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, मेटल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और साथ में आपका यहाँ पे लिगेंड भी रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग अगर कोई आयनेशन स्फीयर बोले तो क्या होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज जनरली प्रेजेंट आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अलावा जो आपके पास में आयन प्रेजेंट है दैट इज योर काउंटर आयन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ मूविंग फर्दर मैंने एक चीज आपको बोली थी कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में एक चीज हम लोग और बोल के चलते हैं, ठीक है, एक चीज और बोल के चलते हैं, दैट इज योर
कोऑर्डिनेशन नंबर, हमने एक चीज बताई थी यहाँ पे, क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ है नहीं, इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली सराउंडेड एट लिगेंड्स, जनरली हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलते हैं, सराउंडेड लिगेंड, है ना। कितने लिगेंड जो है सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली है क्या चीज आपके पास में, इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द, नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम, नंबर ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, मेटल एटम आयन, ठीक है। जैसे कि इस केस में आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो कितना होगा, सिक्स होगा, सिक्स विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर, ठीक है। तो ये फोर भी हो सकता है, और मतलब ये डिपेंड करेगा कितना कितने लिगेंड्स एटम्स आपके उसको सराउंड करें, इट इज बेस्ड अपॉन दैट, ठीक है। तो इसको हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ, ये भी बोल सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स उसी में सेंट्रल मेटल एटम में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन डायरेक्टली अटैच जो लिगेंड होंगे आपके कोऑर्डिनेशन सेल में वही होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में पाई लिगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं करना है आपको, बस क्या याद रखना है मोनोडेंटेड लिगेंड को ध्यान रखना है। मैं बताऊंगा क्या होगा मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड को ही ध्यान में रखना है, मोनोडेंटेड लिगेंड को ही ध्यान रखना है, ठीक है। नो पाई बॉन्डेड लिगेंड, है ना, नो पाई बॉन्ड्स, नो पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है। अगर बैक बॉन्डिंग वगैरह का भी केस बन रहा है आपका, तो वो आपको नहीं कंसिडर लेकर चलना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ अनदर हियर वी हैव टू डिस्कस द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, आपको क्या डिस्कस करना है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो बेसिकली जो चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर में, जो आपके पास में चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज होता है आपका बेटा मेटल पे चार्ज प्लस लिगेंड के चार्ज के बराबर होता है, चार्ज इज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड, है ना, चार्ज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड, यानी मेटल पे जो चार्ज होगा और क्या बोलते हैं लिगेंड पे जो चार्ज होगा, तो इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, Fe H2O का होल सिक्स एंड थ्री प्लस, ये ठीक है। तो आयरन पे अगर हम लोग देखें, तो आयरन का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आयरन के पास क्या प्रेजेंट है, ये H2 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड, दिस इज योर न्यूट्रल, अभी देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड में, तो दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड। अगर ये न्यूट्रल लिगेंड आपके पास में, तो ये ओवरऑल जो थ्री प्लस चार्ज आ रहा है, तो चार्ज यानी जो थ्री प्लस चार्ज आ रहा होगा किसके वजह से आ रहा होगा, मेटल पे, यानी मेटल पे भी चार्ज कितना होगा आपका, थ्री प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। एंड जैसे आपके पास में था FeCN का होल सिक्स, FeCN का होल सिक्स फोर माइनस, तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है आपके पास में, फोर माइनस का चार्ज आ रहा है, तो फोर माइनस का चार्ज यानी चार्ज आपको पता है फोर माइनस का है। अब देखो लिगेंड जो CN है, CN स्टूडेंट्स कितना रखता है, CN आपका माइनस वन रखता है, तो माइनस वन इंटू सिक्स कितना हो गया आपके पास में, माइनस सिक्स हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ जो चार्ज होगा आयरन पे कितना होगा, प्लस टू का चार्ज होगा, तभी जाके किसके बराबर है, फोर माइनस के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आप लोग देख सकते हो, मतलब हम देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग ये लेकर चलना है। और यहीं से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ना, यहीं से मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मेटल की, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एक ही बात, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो चार्ज कैरी कौन करेगा आपका, जो चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम कैरी कर रहा होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, चार्ज कैरीज बाय, चार्ज कैरीज बाय सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम CMA, ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में, अगेन इसी से आप इसी से निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी केस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग, है ना, CuNH3 का होल फोर एन टू प्लस। अब मेरे को पूछा गया होगा कि यहाँ पे मतलब जो मेटल एटम प्रेजेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं स्टूडेंट, ना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आपको क्या देखना है, इसको ले लिया हमने x, x प्लस, और लिगेंड का कितना है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का 4 इंटू 0, और ये किसके बराबर है आपका, प्लस 2 के बराबर, चार्ज इक्वल टू मेटल प्लस लिगेंड, तो लिगेंड जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो प्लस 2 गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी,
प्लस टू. सो कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे जो आपके पास में कॉपर पे जो चार्ज आ रहा है इट इज ऑफ प्लस टू. तो प्लस टू का चार्ज आने का मतलब क्या है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में प्लस टू है. ठीक है, जैसे इस तरीके से आपके पास में निकिल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स दे दिया, तो निकिल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स अगर लिख दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में कार्बोनाइल इज योर न्यूट्रल लिगेंड, निकिल पे आपके पास में चार्ज निकालना है. तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, x प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितनी है, जीरो. तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्प्लेक्स के बनने में. ठीक है, इसी के वजह से हम कई बार बता पाते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा. ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना. जैसे ये आपके पास में एफ ई सी एन का होल सिक्स और थ्री माइनस है, तो अगर यह आप यहाँ पे देखें तो इसका x होगा प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इजिकल टू कितना होगा आपके पास में माइनस थ्री. एक्स कितना आएगा आपके पास में प्लस थ्री. यानी जो आयरन है, आयरन जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है यहाँ पे, कितनी कैरी कर रहा है, वो प्लस थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी करके चल रहा है. तो दीज आर सम एग्जाम्पल बाय विच यू कैन डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, नाउ ये पूरा हमने डिस्कस कर दिया. ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिंपल सा देखो. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स, ठीक है, और साथ में आपके पास में सी एल टू. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कि आपके पास में कोबाल्ट जो होगा इस पर आपके पास में प्लस टू चार्ज होगा, यहाँ पे आपके पास में प्लस टू है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपके पास में ये सी एल टू है. तो ये जो आपके पास में दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपके पास में क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया. ठीक है, दिस इज योर लीगेंड, ये क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में, लीगेंड हो गया. ठीक है, इस पूरे को हमने क्या बोला, इस पूरे को हमने बोला कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसको क्या बोला हम लोगों ने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, इस पूरे को हमने क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी बात करें तो ये हो गया आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. ठीक है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. सीएल जो है दिस इज योर काउंटर आयन, आयनेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज योर काउंटर आयन, दिस इज योर चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग्स, जो जो आप लोग क्या करते हो एक लिगेंड के अंदर में देख कर चलते हो. ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. ठीक है, कि किस तरीके से आपका एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम लोग डिस्कस कर. सो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में बताया, कल हम लोग डिस्कस करेंगे लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स के टाइप क्या होते हैं, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड देखेंगे, उनकी उनको देखेंगे किस तरीके से वो आपके बाइंड करते हैं ट्राइडेंटेड डेंटिसिटी के बारे में. एंड देन हम लोग आएंगे चिलेशन को भी डिस्कस करेंगे, चिलेशन क्या होता है आपके पास में. ठीक है, सो ये दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सीरीज. तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर सीरीज, यू विल गेट टू नो मेनी मोर ऑफ द थिंग्स. ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद दिस, शेयर दिस लेक्चर एंड कीप सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.